तो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो गाइस। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, आज की वीडियो में आपका अकाउंट 100% ओपन होने वाला है। ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ट्रिक दोस्तों ऐसी है कि आपको कन्फर्म योर आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम आती है, आपके पास रियल आईडी प्रूफ नहीं होता, आप ऐसे सबमिट नहीं कर पाते हो। एंड बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं यार जिन्हें कन्फर्म योर आइडेंटिटी मतलब लिमिट लग जाती है, तो लिमिट लग जाती है तो आईडी प्रूफ सबमिट नहीं कर सकते, तो आपका अकाउंट यहाँ से ओपन नहीं हो पाता। एंड अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है ब्रो, मैं आपको यहाँ पर रियल एंड जेन्युइन ट्रिक लेके आता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंड सबसे अलग ट्रिक, बहुत ज़्यादा मतलब 100% वर्किंग ट्रिक लेके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन है कि यदि आपका फेसबुक अकाउंट लॉक हो चुका है दोस्तों, यदि आपका फेसबुक अकाउंट लॉक हो चुका है बट आपका अकाउंट है जो ओपन नहीं हो पा रहा है, किसी भी ट्रिक से ओपन नहीं हो रहा, आपने वीडियो देख देख कर थक चुके हो आप, तो भाई कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आज ही ऐसी वीडियो लेके आ चुका हूँ जिससे ना ही तो आपको मतलब कोई मतलब किसी भी आईडी प्रूफ मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा या फिर आपका ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा या फिर आपके पास रियल आईडी प्रूफ नहीं है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना है, देन आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से सबसे पहले आपको अपना क्या सीन है कि आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे यहां पे आपको कन्फर्म योर आइडेंटिटी विद फेसबुक एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पे आपको सर्च कर देना है। जैसे आप यहां पे सर्च करोगे तो आपके सामने दो यहां पे इस फर्स्ट में एक साइट मिलेगी कन्फर्म योर आइडेंटिटी विद फेसबुक, ठीक है। ये ऊपर या नीचे भी शो कर सकती है, तो सिंपल से आपको इसका ध्यान रखना है एंड इसके ऊपर आपको टच कर देना है। जैसे ही आप टच करोगे तो यहां पे आपका क्या सीन होगा कि यहां पे आपको बताया जाएगा कि आपकी फेसबुक आईडी कैसे रिजेक्ट की जाएगी, कैसे मतलब आप उसको सबमिट करोगे, कैसे वो मतलब मानी जाएगी कि आपके रियल आईडी प्रूफ है या नहीं है, ऐसा कुछ भी सीन है जो, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सीन है, जब आप अपनी आईडी प्रूफ यहाँ से अगर आपके पास रियल आईडी प्रूफ है तो यहाँ से बेझिझक आप सबमिट कर देना, बट अगर आपके पास रियल आईडी प्रूफ नहीं है, मैंने कई वीडियो में बताया भी है आपको कि यार आप फेक आईडी कार्ड कैसे बना सकते हो, मतलब बिल्कुल रियल ही है वो, मतलब फेक वैसे हम बोलते हैं उसको बट वो रियल होता है ब्रो। जैसे कि आपको सीन मैंने बताया था कि लाइब्रेरी कार्ड या स्टूडेंट कार्ड आप बनवा सकते हो लाइब्रेरी में जाके, वहाँ से जो फेसबुक के अंदर फुल नेम एंड फुल डेट ऑफ बर्थ जो है वही आपको उसके अंदर ऐड करवा देना है, देन आपका जो लाइब्रेरी कार्ड है वो बन जाएगा, वो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो, देन उससे आपका अकाउंट है जो अनलॉक हो पाएगा। बट आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बंदे ये ट्रिक मैं जो बता रहा हूँ उसको यूज भी करेंगे, उनका अकाउंट भी शायद मेरे हिसाब से अनलॉक नहीं हो पाएगा क्योंकि आप जल्दबाजी में गलती कर दोगे। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज लिखी है JPEG ST, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे JPEG लिखा हुआ है, तो आपकी जो आप जो आईडी प्रूफ सबमिट कर रहे हो उसको आपको JPEG में सबसे पहले आपको उसको सेव करना है, उसके बाद यहाँ से आपको चूज फाइल पे टच करके सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपके पास रियल आईडी प्रूफ है तो उसको आप यहाँ पे मतलब सबमिट कर देना, अदरवाइज अगर नहीं है रियल आईडी प्रूफ तो आप रियल आईडी प्रूफ बनवा सकते हो, मतलब उसको फेक बोलते हैं बट वो रियल ही होती है, ठीक है। मतलब जैसे स्टूडेंट कार्ड या फिर जो लाइब्रेरी कार्ड आप बनवा रहे हो वो रियल ही है ब्रो, उसको बनवा लेना। आपको उसमें बनवाने में यार कुछ चार्जेस थोड़ी लगता है यार, उसको बनवा लेना, बनवा के यहाँ पे आप जैसे सबमिट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको सबमिट कर देना, यहाँ से आप कितने भी कर सकते हो, वैसे ही तीन फाइल अटैच करने के लिए बोलता है, तो आपको तीन फाइल आप अटैच करते हो, जैसे कि आपने लाइब्रेरी कार्ड भी बनवा लिया, स्टूडेंट कार्ड भी बनवा लिया, ठीक है। दो तो ये हो गए, इसके अलावा एक और कुछ बना लेना, आधार कार्ड फेक बना लेना, तीनों आपको सबमिट कर देना, रियल बता रहा हूँ मैं आपको। जो अगर आप ये काम कर दोगे तो आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका रिव्यू किया जाएगा कि ये रियल में ये आप आईडी आप किया या फिर इसके होनर आप ही हो या फिर कोई और है, ठीक है, वो उसका रिव्यू किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे तीन आइडिया बोल रहा है। तो मेरी मानो तो यहाँ पे एक आपको स्टूडेंट कार्ड बन जाएगा, लाइब्रेरी कार्ड आपका बन जाएगा, दोनों कार्ड यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सबमिट करना, एंड इसके अलावा एक कार्ड और बना लेना, फेक आधार कार्ड बन जाएगा। अगर आपको नहीं बनाना था तो मेरे से मतलब बोल देना, मैं आपको बना के दे दूंगा, फेक आपका आधार कार्ड जो है फेक रियल जैसा लगेगा डिप्टो, ठीक है, वो मैं आपको बना के दे दूंगा। तीनों को आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, देन यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन और मिल रहा है, लॉगिन ईमेल एड्रेस और मोबाइल फोन नंबर, ठीक है। यदि ब्रो आपके फेसबुक अकाउंट में ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों ऐड है तो आपको यहाँ पे दोनों लिखना है, एंड अगर आपके पास ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक ऐड है तो उसको लिखना है। जैसे कि आपके पास मोबाइल नंबर ऐड है, ईमेल नहीं है, तो आपको फिर भी ईमेल लिखनी है यहाँ पे, मतलब कोई दूसरी आपकी पर्सनल ईमेल लिख देना, यहाँ पे आपको दोनों लिखना है। अगर आपके में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ ईमेल यहाँ पे लिखना है, एंड उसके बाद यहाँ पे सेंड कर देना। ध्यान रखना यहाँ पे आपको जो चूज फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको तीन फाइल्स आपको एडिट मतलब सॉरी यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे कि आप फेक, जैसे आपके पास रियल अगर है तो रियल आप कुछ भी लगा लेना, जैसे कि आपका नेशनल आईडी कार्ड हो गया, उसके अलावा और भी बहुत कुछ होते हैं यार, मतलब
जो भी किसी के पास होता है वोटर आईडी वगैरह और भी जो भी होता है उसमें जो लिस्ट होती है उसमें सब कुछ, ठीक है, लिस्ट देख लेना जो भी आपके पास है सबमिट कर देना। अगर पास रियल नहीं आता फेक मतलब रियल जैसा ही रियल बना लेना, ठीक है, रियल बन जाएगा आपका, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में। तो यहाँ से आपको सिंपल सेंड कर देना है। उसके बाद मैं आपको सेकेंड ट्रिक बताऊँगा। सेकेंड ट्रिक आप जब भी कन्फर्म योर आइडेंटिटी विद फेसबुक सर्च करोगे फर्स्ट में आपको ये देखने को मिल ही जाएगा, एंड सेकंड में यहाँ पे एक मिलेगा कन्फर्म योर आइडेंटिटी फेसबुक, ठीक है, कन्फर्म योर आइडेंटिटी फेसबुक। सिंपल आपको इसके ऊपर टच कर देना है। जैसे इसके ऊपर टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल आपको अपलोड करनी है जो आपका फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, आपका जो फेसबुक अकाउंट है ना उसमें मतलब जो आपकी रियल आईडी प्रूफ है, अगर आपके पास है रियल आईडी प्रूफ तो वो आपको यहाँ पे मतलब चूज फाइल के ऊपर टच करके सेलेक्ट कर लेना रियल आईडी प्रूफ है तो। बट अगर रियल आईडी प्रूफ नहीं है ना तो आपको सिंपल से मतलब जो मैंने भी बताया आपको लाइब्रेरी कार्ड या स्टूडेंट कार्ड आप जो भी किसी में से एक आप बनवा लेना एंड बन जाएगा तो उसको यहाँ पे आपके सबमिट कर देना एंड सेंड कर देना। सेंड जैसे कर देगा तो यहाँ पे आपको क्या सीन होगा कि यहाँ पे आपको 24 आवर्स के अंदर या फिर 48 आवर्स के अंदर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, देन आपका अकाउंट अनलॉक हो जाएगा। एंड अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, आपका अकाउंट अनलॉक कर दिया जाएगा, कुछ चार्जेस लगेगा आपका अकाउंट अनलॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड 100% वर्किंग ट्रिक के अंदर है। बट यार उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।